एज़ यूजुअल फिर से निकल पड़े हम लोग ढूंढने एक नया वीकेंड डेस्टिनेशन। कहावत है एक से भले दो, दो से भले तीन, और यही चीज हमें कही इस बटरफ्लाई ने और हमारे साथ चलने की। ब्यूटीफुल सी जगह जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ के लिए हम निकले हैं रायपुर स्टेडियम के साइड से, और सोंग रिवर वाला ब्रिज जो है उसको क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऊपर की तरफ वो दूर से ही नज़र आने लगेगा। वेलकम बैक टू ममता क्रिएटिव कोजीनुक। आज मैं फिर से लेके आई हूँ ट्रैवल ब्लॉग, जो कि है ट्री कैफे। वीकेंड डेस्टिनेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लोकेशन में बसा हुआ। अब मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, सीधे आपको दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं सीधे ट्री कैफे। खड़े हैं एंट्रेंस में, अभी मैं इसका बालकनी आपको दिखाती हूँ। बालकनी से आप बहुत खूबसूरत सा व्यू देख सकते हैं, पूरा देहरादून आपको यहाँ से नजर आएगा। और अगर आप ये बालकनी में अपने स्नैक्स या अपना लंच जो भी कुछ आप ले रहे हैं, तो इसके साथ साथ आप यहाँ की ब्यूटी को भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ट्री हाउस जो बना हुआ है, और इसी के नाम पे ये कैफ़े का नाम भी पड़ा है, ट्री कैफ़े। इसमें बैठने के लिए पर आर ये पर पर्सन एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, और ज़्यादातर टीनेजर्स इसकी वजह से ही यहाँ पर आना पसंद करते हैं। हम लोग खड़े हैं ट्री कैफ़े के एंट्रेंस में। आज बहुत रश हो रखा है, अभी देखते हैं थोड़ा सा जगह मिलेगी फिर हम अंदर एंटर करेंगे। बड़ी बड़ी सी विंडो इस कैफ़े की खासियत है, जिससे आप एक तरफ खाने का लुत्फ़ ले सकते हैं और दूसरी तरफ जो प्राकृतिक नज़ारे हैं उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की जो सीटिंग है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बहुत आराम से आप बैठ सकते हैं रिलैक्स होके। इसमें आप देखेंगे लो सीटिंग वाले सोफ़े भी लगे हुए हैं, तो अगर आपके साथ किड्स हैं तो वो आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और आप एक छोटी मोटी कोई गेट टुगेदर है या बर्थडे पार्टी है उसको भी आप यहाँ पर रख सकते हैं।
अब मैं आपको लेके चल रही हूँ इसकी जो दूसरी मंजिल है उस पर। आप इमेजिन कर सकते हो जब नीचे से इतना ब्यूटीफुल सा व्यू दिख रहा है, ऊपर कितना खूबसूरत दिखेगा। इसका जो इंटीरियर है वो भी बहुत खूबसूरत है। और सॉरी गाइस, मैंने लोगों की जो प्राइवेसी थी उसको ध्यान में रखा है, इस वजह से थोड़ा सा जो वीडियो की क्वालिटी है उसको इग्नोर करना, और आप यहाँ का जो व्यू है उसको भी इंजॉय कीजिए। और जो ये ट्री कैफ़े इन्होंने नाम दिया है वो इस वजह से भी दिया है क्योंकि इन्होंने जो ये दूसरी मंजिल है उसी में बिल्कुल सेंटर में ही एक और मंजिल उन्होंने क्रिएट कर रखी है। बहुत ब्यूटीफुल सा वो लगता है, अंदर से भी आपको वो जो ट्री हाउस होता है उसका लुक आपको यहाँ पे मिलेगा। और अंदर एक उन्होंने, अगर आपको थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए तो एक केबिन जैसा भी उसमें बना हुआ है, वहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके। मुझे इसमें एक चीज़ अच्छी लगी कि जो किचन है इन्होंने बाहर वाले साइड में रखा हुआ है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं कि ये हाइजीन का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते हैं। ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो गाइस अब चलते हैं हम वापस इस ट्री कैफे से। बहुत ही अच्छा ये ट्रिप था, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ का जो फूड है वो भी बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पर इंडियन, चाइनीज़ और मैक्सिकन फूड, हर तरह का फूड आपको अवेलेबल हो जाएगा। और फूड भी बहुत, फूड की जो क्वालिटी है, टेस्ट है, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।